हेलो फ्रेंड्स, मैं सी रेनु सिंगल आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल लॉ वॉलेट पे स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी जीएसटी पोर्टल पे जो न्यू अपडेट्स आए हैं। इसके लिए हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद जब हम डैशबोर्ड को क्लिक करते हैं तो अब हमारे पास एक ये न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है। एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स ऑल जीएसटीएंस ऑफ रिलेटेड बैंक। मीन्स अगर आपके सपोज 10 स्टेट्स में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन है तो सबकी टर्न ओवर मिला के वो ये पोर्टल अब शो कर रहा है। 19-20 के लिए आपकी टर्न ओवर अप टू 5 करोड़ है या उससे कम है। अगर किसी भी रीजन से आपको एनुअल एग्रीगेट टर्न ओवर की डेफिनेशन में कोई डाउट है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल आ जाएगी कि हमारे पास 19-20 की एग्रीगेट टर्न ओवर किस तरह से कैलकुलेट की गई है। यहाँ पे सारी डिटेल अच्छे से दी हुई है कि 19-20 की एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर किस तरह से कैलकुलेट की गई है। कोई भी डाउट आता है तो आप लिटरेचर रीड करके देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ग्रीवेंस रेज करने के लिए एक टैब भी दिया है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर ये नहीं है तो आप यहाँ पे ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं। लिखा भी है इन केस ऑफ any discrepancy in the turnover display, please lodge your grievance at this GST, this website. आप यहाँ पे जाके अपनी grievance raise कर सकते हैं। अब ये 5 करोड़ के turnover हमारे लिए important क्यों है? 5 करोड़ के turnover के basis पे ही हमारी GSTR1 की date decide होती है और GSTR3 भी की। Means अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको monthly filer होना होगा और उस केस में आपकी डेट अलग होगी, और अगर उससे कम है तो क्वार्टरली फाइलर है। मीन्स 5 करोड़ से ऊपर हमारे लार्ज टैक्स पेयर माने जाते हैं। सिमिलरली अगर 5 करोड़ से ऊपर हमारी टर्नओवर है, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर है, 3B की डेट 20 होगी इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट। पर अगर उससे कम है तो जीएसटी और 3B की डेट 22 या 24 होगी डिपेंडिंग आप किस स्टेट में रजिस्टर है। नेक्स्ट अपडेट है, हमने फाइल रिटर्न्स पे क्लिक किया। सपोज हम अपनी करंट मंथ की GSTR1 पे जाते हैं। अक्टूबर की GSTR1 पे हम गए। यहां पर हमारे पास अमेंडमेंट 19-20 की अमेंडमेंट लॉ के अकॉर्डिंगली हम नहीं कर सकते हैं, पर अगर आप यहां पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि 19-20 की अमेंडमेंट के लिए भी हमारे पास अभी तक ऑप्शन पोर्टल दिखा रहा है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आपके कोई 19-20 के अमेंडमेंट अभी पेंडिंग है, आप नहीं कर पाए हैं, तो आप जल्दी कीजिए, आप उसे अमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको ये ऑप्शन दिए गए लाइक डू यू वांट टू फिल नील रिटर्न। सपोज हमने इसको किया नो, यस। जैसे ही आप ऑप्शन फिल करके जाते हैं तो आपके पास एक अभी सिस्टम जनरेटेड 3B के लिए पॉपअप आता है, जो GSTR 3B में टेबल 3.1 का ए बी सी और ई है वो GSTR 1 से ऑटो पॉपुलेटेड होगा। पर उसका स्टेटस क्या है, क्योंकि GSTR 1 अभी तक फाइल नहीं की गई है इसलिए समरी जनरेट नहीं हुई है। टेबल 3.1 डे रिवर्स चार्ज से डील करता है तो वो GSTR 2B से आएगा, वो भी अभी क्योंकि 2B जनरेट 12th को होगी इसलिए वो अभी तक यहाँ पर स्टेटस उसका नहीं आया है। सिमिलरली जितना भी हमारा ITC है, टेबल 4A में 1, 3, 4, 5 हमारा ISD से रिलेटेड जितने भी हमारा ITC है वो भी 3B से ऑटो पॉपुलेटेड होगा और वो भी अभी जनरेट नहीं हुआ है क्योंकि 3B अभी हमारी जनरेट नहीं हुई है। नो डाउट ये सारे फील्ड हमारे एडिटेबल होंगे, हम इसे चेंज कर सकते हैं। ये सारी एडवाइजरी यहाँ पर लिखा हुआ है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसे क्लोज करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ भी न्यू मैसेजेस आ रहे हैं। यू हैव नॉट फाइल्ड GSTR 1 फॉर द सिलेक्टेड पीरियड। अभी GSTR 1 फाइल नहीं हुई है इसलिए 3B में GSTR 1 की जो डिटेल है वो ऑटो पॉपुलेटेड नहीं हुई है। सिमिलरली जो टेबल 4 में हमारा ITC की डिटेल आनी है वो भी 3B से आनी है और वो अभी तक जनरेट नहीं हुई इसीलिए फिल नहीं है। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट अपडेट है इंटरेस्ट एंड लेट फीस से रिलेटेड। फ्रेंड्स अगर आपको याद होगा कि इंटरेस्ट की फिगर ऑटो पॉपुलेटेड होती है किसमें, जब भी हम सेंट्रल टैक्स में जो फिगर डाल रहे थे वही सेम फिगर स्टेट टैक्स में भी आता था,
पर क्योंकि अब रूल्स चेंज हो चुके हैं और वैसे भी पहले भी इशू था कि हमारे सेंट्रल टैक्स की फिगर और सेल्स स्टेट टैक्स की फिगर में अगर चेंजेस हैं डिफरेंट है तो इंटरेस्ट भी नेचुरली डिफरेंट आएगा, पर पोर्टल हमें डिफरेंट इंटरेस्ट की फिगर अलाउ नहीं करता था पर अब वो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरा सेंट्रल टैक्स में इंटरेस्ट की फिगर है 800, तो यहाँ आप देखिए ऑटोफिल नहीं हो रहा है, आप कोई भी अलग फिगर यहाँ पे फिल कर सकते हैं, वो ले लेगा। तो फ्रेंड्स ये थे लेटेस्ट अपडेट, इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।